नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राजस्थान में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेज रफ्तार के साथ पैर पसारता जा रहा है। खासकर राजधानी जयपुर में मामले बेकाबू होते जा रहे हैं। जयपुर में कोरोना ने स्पीड तेज कर दी है, जिससे अब प्रदेश सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। सरकार के द्वारा लगाई गई पाबंदियों के अनुसार सोमवार से जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि बाकी सभी जिलों में स्कूल खोलने के फैसले पर जिला कलेक्टर फैसला लेंगे। बता दें कि गृह विभाग के द्वारा जारी की गई नई पाबंदियों की गाइडलाइंस के अनुसार शादी में केवल 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि बैंड वालों को 100 लोगों की लिमिट से अलग रखा गया है। शादी समारोह की एसडीएम से पहले अनुमति लेनी होगी। डीओआईटी के पोर्टल पर जाकर एसडीएम को ऑनलाइन सूचना देनी होगी, इसी पर अनुमति जारी होगी। वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि सामाजिक राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब केवल 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। इससे ज्यादा लोग होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि स्कूल को छोड़कर नई गाइडलाइन की सभी पाबंदियां 7 जनवरी से लागू होंगी। वहीं धार्मिक केंद्रों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं वैक्सीन की दोनों डोज लेना भी अनिवार्य होगा। फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाए बिना घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होगी। दूसरे प्रदेशों से आने वाले हवाई और ट्रेन यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाण दिखाना होगा। अगर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगे होने पर यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक उन्हें क्वारंटाइन रहना होगा। विदेश से आने वाले हर यात्री का भी एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने तक हर यात्री को क्वारंटाइन रहना होगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।